hello guys this is krishna gupta welcome you all in ms office and microsoft word series in previous video i have shown you how to open a document and how its environment work and save the file now in this video i will show you how to file tab works and how its steps are done so let's start the video first we see the content contents in co co cover Information new, open, save, save as, print, share, export, close, account, and options. So, these all are the contents I will cover in this video. First, you see MS Word main environment that is, after clicking on blank document, you see the main homepage. I have already created this video in previous video. यू सी एंड आफ्टर दैट यू कैन लर्न दिस इन्वायरमेंट हाउ इट वर्कस आई विल ब्रीफ यू इन दिस वीडियो ओनली सो स्टार्टिंग फ्राम द फस्ट अपर साइड दिस इज़ क्विक बार क्विक बार में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे जो भी हमारे पास टैप्स हैं ये हैं आपके क्विक एक्सेस करने के लिए तो फर्स्ट आपका वर्ड फाइल सेव रीडू अंडू ओपन न्यू फाइल ओपन शेप एंड उसके बाद है आपका इक्वेशंस और उसके अलावा जो भी आपको एक बार में एलिमेंट्स रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वन दिस इज़ टाइटल बार टाइटल बार ये आपकी फ़ाइल का नेम शो करता है जिसमें आप अपनी फ़ाइल का जो भी नेम रखेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ये कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ रिस्टोर अगर कुछ भी करना है आपको तो उस केस में हम इन टैब्स को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क आपको हेल्प प्रोवाइड करता है उसके बाद नेक्स्ट कुछ और टैब्स हैं जो आप देख रहे हैं इस लाइन के अंदर ये है आपका रिबन इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैन्यू टैब्स हैं जैसे आपका होम पेज हो गया इंसर्ट हो गया डिज़ाइन पेज लेआउट रेफरेंसेस मेलिंग्स एंड रिव्यूज व्यूज़ एंड ऑक्सीड पी डी एफ सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन आएगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे तो वो होगा आपका होम तो हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो ओपन रहेगा इसमें वो रहेगा होम पेज उसके बाद नीचे कुछ फॉर्मेटिंग टैब्स हैं और जो फॉर्मेटिंग जो टूल बार हैं वो नीचे हैं आपके क्लिप बोर्ड है फॉन्ट है पैराग्राफ्स हैं स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जब हम इस मैन्यू टैब पर क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्केलर स्केलर आपके टू टाइप्स के हैं यहाँ पर फर्स्ट इज़ हॉरिजेंटल स्केलर एंड सेकेंड वन इज़ वर्टिकल स्केलर उसके बाद नीचे है आपका स्टेटस बार स्टेटस बार्स में आपके नंबर ऑफ़ पेजेस नंबर ऑफ वर्ड्स ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे उसके बाद ये है आपका व्यू बार व्यू बार में आपको डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से विजिबल फॉर्म में रखना है क्या व्यू रहेगा आपके वो डॉक्यूमेंट का वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या रहेगी जूम इन जूम आउट जो भी आपको करना है मिनिमम जूम 10% maximum zoom age 500%. So, these all are the terms uh, I have already covered in my previous video. You can watch it. After that, uh, you see this is the complete uh, tab list of items of Word document file selection. You already see in this uh, Word environment. After that, आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइल बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जब हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो डिफरेंट पेज है ये ओपन होगा इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं जो मैंने कंटेंट में आपको बताए थे इन्फॉर्मेशन न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट सेव शेयर एक्सपर्ट एक्सपोर्ट क्लोज एंड अकाउंट एंड ऑप्शन ये यहाँ पर आपके बाई डिफ़ॉल्ट ओपन होंगे जब आप इंफॉमेसन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जो आपको दिखाई देंगे दैट इज़ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड वर्जनस इसमें आपको जैसे आपके डॉक्यूमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है आपको पासवर्ड रखना है की रखनी है तो आप उस हिसाब से आपकी इन्फॉमेशन डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर उसके बाद है नेक्स्ट न्यू न्यू का मतलब है कि हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से कोई भी टैंपलेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम फाइनली यहाँ पर सर्च ऑप्शन के अंदर अपना जो भी कंटेंट हमें चाहिए जिस तरह की इंफॉमेशन हमें चाहिए जिस तरह का टैम्पलेट चाहिए वो यहाँ पर सर्च और में लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रेज्योम सी बी कार्ड्स पर्सनल जो भी आपको रखना है हॉलीडेज इवेंट्स तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लेकिन इस केस में हमारे पास नेट अवेलेबल होना चाहिए तो ये हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइटम्स और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का वे फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इसमें है आपका ओपन ओपन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे इसमें आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी आपके डिवाइस के अंदर सेव हैं आपके कंप्यूटर में सेव हैं आपके फोल्डर्स में सेव हैं वो यहाँ पर ओपन होंगे लेकिन रिसेंट जो मोस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर शो होंगे लेकिन आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं किसी भी ड्राइव से किसी भी पाथ से आप उसको कंप्लीट यहाँ से ओपन करने का वे प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ओपन के जो ऑप्शनस हैं वो हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट रिसेंट कर सकते हैं वन ड्राइव अगर आपका सेव है तो माई कंप्यूटर आपकी किसी भी ड्राइव में सी डी ई एफ एंड एड ए प्लेस अगर आपको कोई भी प्लेस ऐड करना है उसके इस में भी आप यहाँ पर से डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका सेवेस सेव सिंपल सेव करने का तरीका है जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया क्रिएट करने के बाद हमने उसको सेव करना चाहा तो हमने सिंपल सेव पे क्लिक कर दिया फाइल का नेम देके उसको फोल्डर डिसाइड कर लिया कौन से फ़ोल्डर में हमने सेव करनी है उसके बाद अगर आपने कोई फोल्डर डिसाइड नहीं किया तो ये माई डॉक्यूमेंट्स में आपका ऑलरेडी चला जाएगा जो कि हमारा वाई डिफॉल्ट हमने सेट किया होता है उस केस में अगर मान लो सेवैज़ करना है तो सेवैज़ का मतलब होता है कि आप किसी फ़ाइल को या तो रीनेम करना चाहते हैं या फिर उसी फाइल में कुछ चेंजेस करके आप उसको वापस से सेव करना चाहते हैं या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में हम सेव एज फाइल क्रिएट कर देते हैं नेक्स्ट है आपके पास सेव एज के अंदर भी ऑप्शंस हैं वन ड्राइव कंप्यूटर एड ए प्लेस इसमें आप डेस्कटॉप पेपर जैसे मैंने कुछ फोल्डर्स हैं वो विजिबल हैं यहाँ पर उन फोल्डर्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मैं सेव कर सकती हूँ उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट देखते हैं प्रिंट में क्या है कि प्रिंट आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट को यूज़ करना तो सभी को पता होगा कंट्रोल पी कमांड से हम प्रिंट दे देते हैं अपने पेज को लेकिन इस केस में अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है आप किसी फोल्डर में फैक्स करना चाहते हैं या फिर आपको प्रिंट निकालना है या फिर आप पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंट तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपको सिंपल प्रिंटर में जाना है प्रिंटर से आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगे और वहाँ से आपको जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है वो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप सिंपल प्रिंट कर देंगे और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा या फिर आप जिस भी प्रिंट फॉर्म में देना चाहते हैं वो वहाँ पर सेंड हो जाएगा तो इस तरह से आपका प्रिंट कंप्लीट हो जाता है फिर है आपके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स सेटिंग्स में आपका सिंपल क्या है सेटिंग्स में फर्स्ट सेटिंग है आपकी प्रिंट ऑल पेजेस प्रिंट ऑल पेजेस इट मीन्स कि आपके जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो आप सारे के सारे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रिंट पेजेस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मैनुअल रखना है कि अगर मैंने हंड्रेड पेजेस में से वन ट्वेंटी फाइव पेजेस में से हंड्रेड पेजेस सेलेक्ट करने हैं तो वन टू हंड्रेड लिख दिया मैंने वन टू हंड्रेड सिंपल तो ये मेरा फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर तो इस तरह से मैं पेजेस को प्रिंट कर सकती हूँ सिंपल अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रिंट वन साइडेड अब इसके बाद हम प्रिंट जो प्रिंटिंग सेटिंग होती है जैसे आपको इवन पेज रखना है प्रिंट में या आउट पेज रखना है या बोथ साइडेड रखना है तो ये उसकी सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं चेंज उसके बाद कॉल कॉलेटेड uh, इसके अंदर आपके वन टू थ्री सिक्वेंस रखना है या वन 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 टू 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 थ्री 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 इस तरह से आपको रखना है जैसे आप नंबर ऑफ कॉपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं किसी चीज़ की और उस केस में आप प्रिंट दे चुके हैं और आपको थ्री कॉपीज़ क्रिएट करनी है तो आप एक तो कॉपी है वन टू थ्री फिर वन टू थ्री वन टू थ्री अदरवाइज़ अगर आप एक साथ थ्री कॉपीज सिमिलर टाइप की एक बार में निकालना चाहते हैं फिर सेकंड फिर थर्ड तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग भी यहाँ से चेंज चेंज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन आप सभी को पता है जैसे आपका लैंडस्केप होता है इसी तरह से आपके पोर्ट्रेट होता है तो दो आपके जो सिंपल ओरिएंटेशंस हैं जैसे आपका एक इस तरह का हो गया और एक आपका इस तरह का हो गया तो ये आपका हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया आपका लैंडस्केप तो इस तरह से आपके जो ओरिएंटेशन है वो वर्क करते हैं फिर आपका लेटर लेटर में सिंपल क्या है लेटर की साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं लेटर फिक्स साइज़ का रहता है जैसे ए फोर ए थ्री या फिर आपका कुछ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनस हैं जैसे एट पॉइंट फाइव क्रॉस एलेवन ट्वेल्व थर्टीन जो भी आपकी साइज़ है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं इंचेज़ और सेंटीमीटर जो भी है आप यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे और आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अपना कस्टम क्रिएट कर सकते हैं फिर उसके बाद आता है आपका नॉर्मल मार्जिन नॉर्मल मार्जिनस में कि आपका लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर मार्जिन, बॉटम मार्जिन, टॉप मार्जिन तो इस तरह से आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं ये आपका पेज सेटअप की सेटिंग के अंदर भी आ जाता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं फिर आपका वन पेज पर शीट इसका मतलब है कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ पेजेज़ हैं वन टू थ्री तो अगर आप किसी चीज़ का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपके दो पेजेज एक पर आ जाएँ या फिर आप चाहते हैं कि मेरे पास सिक्सटीन सेवनटीन पेजेस हैं और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर पूरा का पूरा शीट मेरा कंप्लीट क्रिएट हो जाए इस तरह से मेरे पेजेस सारे एक ही पेज पर आ जाएँ तो नंबर ऑफ़ पेजेस जितने भी हमें एक शीट पर रखने होते हैं तो वो हम यहाँ पर वन पेज पर शीट सेलेक्ट कर सकते हैं तो कई लोग करते हैं इसमें सिक्स पर शीट जैसे हमें पीपीटी प्रिंट निकालनी है या फिर कोई छोटा डॉक्यूमेंट है और बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसमें लार्ज साइज़ का फ़ॉन्ट है तो उस केस में हम इस तरह की प्रिंटिंग यूज़ करते हैं या फिर किसी को जीरो प्रिंटिंग यूज़ करनी होती है तो उस केस में ये करना होता है तो इस तरह से ये कम्प्लीट हो जाता है अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयर शेयर का मतलब है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप शेयर करना चाहते हैं जैसे आपने इनवाइट पीपल किया तो आप जीमेल या फिर आउटलुक या याहू डॉट या मेल पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं तो इनवाइट पीपल कर लीजिए ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर लीजिए प्रेजेंट यू लाइन ऑनलाइन अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन लाइव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपको करना होगा और ये इसके लिए हमें अकाउंट और नेट की होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी उस केस में आपका पोस्ट टू ब्लॉग ब्लॉग अगर ब्लॉगर हैं आप ब्लॉगर क्रिएट कर रखा है आपने और आप ब्लॉग बनाते हैं और वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो उस केस में आप पोस्ट टू ब्लॉग भी कर सकते हैं डायरेक्टली अब ये है आपका सेव टू क्लाउड ये आपकी जो इन्फॉर्मेशनस हैं जो मैंने आपको शेयर में बताई हैं तो ये इस केस की है कि आपके नेट की अवेबिलिटी होनी चाहिए प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट का जो भी फॉर्मेट है वो डायरेक्ट आपकी क्लाउड पर जाकर शेयर हो जाएगा सो दैट्स ऑल अबाउट द शेयर नेक्स्ट है आपको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया या का आपने कोई वीडियो क्रिएट किया उस केस में हम अपने सिंपल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं सेव करते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट चूज़ करके और उसको फाइनल करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या फॉर्मेट रखना है आपको पी रखना है एक्सपीएस रखना है या फिर कोई अदर टाइप फॉर्मेट रखना है लाइक पी एन जी जे पी जी आप जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट का वो आप यहाँ रख सकते हैं तो आप सिंपल क्रिएट पीडीएफ कर दीजिए या फिर चेंज फाइल फॉर्मेट पे चले जाइए वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के सेलेक्शन आपको मिल जाएंगे आप वहाँ से चूज़ करिए आपको जो भी सलेक्शन चाहिए वो वहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो ये हो गया एक्सपोर्ट क्लोज़ क्लोज ये आपकी सिंपल uh, एक कमांड है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इसका मतलब है जब हम डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो सिंपल क्रॉस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट डिसअपियर हो जाता है क्लोज हो जाता है अगर वो सेव है तो सेव डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो वो आपसे सेव का परमिशन मांगेगा या फिर आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आपके थ्री ऑप्शन है जो आपको विंडो पर दिखाई देते हैं जब आप क्लोज़ करते हैं नेक्स्ट है आपका अकाउंट अकाउंट का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आप जैसे ऑफिस का सूट पैकेज है इसमें आप कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अवाउट बर्ड तो इसमें आपको साइन इन करना होगा जिससे आप इस ऑफिस के एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कनेक्टिविटी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट आपके ऑप्शंस ऑप्शंस में आपकी वर्ड ऑप्शंस ही आते हैं लेकिन इसमें एडवांस सेटिंग होती है जो कि मैंने आपको क्विक बार में भी बताया था क्विक बार में आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करते हैं रिमूव करते हैं तो क्विक बार में आ जाता है इसी तरह से हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं जैसे आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग चेकर लगाना है ग्रामर चेक कर लगाना है या फॉर्मेट चेकर लगाना है या रिपीट वर्ड चेक चेकर लगाना है तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स जो हम ऑलरेडी हमारे जो वर्ड में क्रिएट करते हैं वाई डिफॉल्ट आनी चाहिए या फिर होनी चाहिए तो उस केस में ये वर्ड ऑप्शनस के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट एडवांस सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं जो कि एक एडमिन यूजर नेम और जो इंटरफेस है वो उसी हिसाब से प्रोवाइड करता है जैसा कि हमें नीड होती है और हमें वाई डिफॉल्ट सेटिंग हमें रखनी होती है तो इस तरह से हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं जनरल है डिस्प्ले प्रूफिंग सेफ लैंग्वेज एडवांस कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस बार एडविंस और ट्रस्ट सेंटर तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से नाउ प्रैक्टिकल वीडियो आई विल डिस्कस दिस वीडियो इन नेक्स्ट माय नेक्स्ट वीडियो सो हाउ टू ओपन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेव द करेंट फाइल लर्न ऑल द स्टेप्स वन बाय वन वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रैक्टिस स्टेप्स फाइल टैब आई विल शो यू ऑल द प्रैक्टिस ऑफ फाइल टैब इन नेक्स्ट वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो So, bye bye.